Yeah, it's the hippo song. It's about the hippopotamus. The most dangerous land animal. तो इस वीडियो में होगा गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो भाई लोग इसकी फीलिंग एकदम इमोशनल है। वैसे ये मार्वल में जेम्स गन की आखिरी मूवी होगी और गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी की भी। डरो मत, इसमें पूरी गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी नहीं मरेगी क्योंकि इनका अभी अहम मेरा मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल भी है सीक्रेट वॉर्स में, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची के साथ डॉज बॉल खेलता है और बच्ची वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है जो कि वो लोग डिजर्व भी करते हैं। पता नहीं ड्रैक्स की पावर ऐसे मूवमेंट में कहां चली जाती है। इन्फिनिटी वॉर में तो बड़ा फ्लेक्स मार रहे थे कि वो इनविजिबल हैं। वैसे इन्होंने जो सूट पहना वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हमें रॉकेट का ओरिजिनल फॉर्म देखने को मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फिर गार्डियंस हमने स्पेस सूट पहन के एक रिसर्च सेंटर में जा रहे होते हैं जो है एवोल्यूशनरी का होता है। अभी रुको, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो स्पेस सूट ये लोग यूज करते हैं वो अमंगस को लेकर के एक ईस्टर है, भले ही जेम्स गन इसको डिनाई कर रहे हो लेकिन जो है सो है। फिर हमें गमोरा का एक सीन दिखाया जाता है जो गजनी की तरह फोटो देख के मेमोरीज को वापस याद कर रही है। अबे साले, क्योंकि एवेंजर्स एंडगेम के इवेंट्स के बाद 2014 की गमोरा, क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में क्वेल और गमोरा की मुलाकात होने ही वाली होती है, उससे पहले गमोरा 2023 में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बारे में मैं और एलैबोरेट करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अगला सीन है जिसमें क्विल को हम लोग रोते हुए देखते हैं। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है या तो फिर कोई मर गया है। फिर इसमें हमें रैवेजर्स को स्टाइल में चलते हुए दिखाया जाता है। अब भाई ये मूवी का पहला सीन हो सकता है क्योंकि ये सीन नोवेयर का है। असल में हॉलीडे स्पेशल में गार्डियंस ने नोवेयर को खरीद लिया था। ये एक सॉर्ट ऑफ मॉन्टाज होगा जिसमें थॉर लव एंड थंडर और हॉलीडे स्पेशल के बीच सेट होगा। फिर हमें एडम वॉरलॉक का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो देखने में काफी ऑसम है, एकदम हल्दी वल्दी लगा के। मेरा मतलब है कि बहुत देखने में काफी अच्छा है, हैं? वो जिस देश दुनिया से आए रहते हैं वहां से तो भाई ठीक ही है। मतलब ये कॉमिक्स में अपीयर होने वाला ऐसा कैरेक्टर जिसको सोल स्टोन से एक हैवी कनेक्शन है, बट एमसीयू में इसे थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है। और कॉमिक्स में ये हाई एवोल्यूशनरी से लड़ता है जो हमें लेके आता है हाई एवोल्यूशनरी की तरफ। तो भाई हाई एवोल्यूशनरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है। पता नहीं ऐसी कौन सी चूल मचती है, ये सारे जानवरों को इंसान बना देता है। मेरे भाई को भी ले जाओ यार। अबे साले, और जो फैसिलिटी हमें दिखाई जाती है वो उसमें हमें टिश्यू स्कैन डीएनए और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलते हैं। अंदर का माल सारा बाहर निकाल दिया है इन्होंने। तो सोच लो ये कितना बड़ा सनका होगा। सनका शब्द ऐसे ही बनना नहीं, कॉमिक में उसने एक काउंटर अर्थ को भी बना लिया था और उसमें जितने ह्यूमनॉइड्स हमें दिखाए गए हैं वो सब उसी प्लैनेट पे रहते हैं, बस कुछ चीजें चेंज की गई हैं। और इस मूवी में हमें उसका अडेप्टेशन देखने को मिलता है। ये गार्डियंस की एंट्री वाला सीन जो मैंने आपको पहले बताया था वो शुरुआत का सीन हो सकता है मूवी का, क्योंकि हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और 2 में हम लोग ऐसा ही एक सीक्वेंस देखते हुए आए हैं। और ग्रूट को तो भाई एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर बना दिया है, नोवेयर में पर्सनल जिम होगा ही होगा इसके लिए। फिर इस मूवी में हमें रॉकेट का ओरिजिन बताया जाएगा जिसमें वो काउंटर अर्थ से भाग जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी हमें दिखाई जाएगी। अब क्या करे, है गर्लफ्रेंड क्योंकि एडम वॉरलॉक भी है, एवोल्यूशनरी भी है, सभी लोग इनके पीछे ही पड़े हुए हैं। और गार्डियंस भी लाइक मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जो पुराने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है मतलब रेवेंजर्स की जितनी पूरी टीम है वो अपीयर होने वाली थी सीक्वल में। और इसका अगर आप क्रेडिट्स वाला सीन देखोगे तो उसमें सिल्वेस्टर स्टालोन का मेंशन हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका भी बड़ा रोल होगा। फिर इस ट्रेलर को ऐसा डिजाइन किया है कि जिसे देखने में लग रहा है कि रॉकेट की ही मौत होगी, सब लोग मौत के ही पीछे पड़े हैं। बट पर्सनली इस चीज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ क्योंकि रॉकेट मेरा एक मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, और ये ट्रेलर इतना इमोशनल है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और हम सबको पता है कि मार्वल हमेशा टोपी पहनाता ही है। अगर आप भूल गए हो तो इन्फिनिटी वॉर वाला हल्क वाला सीन याद कर लेना भाई। तो भाई इस वीडियो को देखने में मजा आया तो लाइक करो, कमेंट कर देना, और ज्यादा मजा आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो नई वीडियोस कैसे देखोगे। सो दिस इज इट।